मेरे नाल आपको पता है क्रिकेट में पिंक बॉल भी आ गई है, मान लो जैसे शायद भाई क्रिकेटर है इस फिल्म में, हाँ. अगर आपको ऐसा मौका दिया जाए कौन कौन से शेड्स आप चूज करेंगे बॉल्स के, मतलब आपको लगे पिंक बॉल तो ऑलरेडी है ही, और कौन से आपके फेवरेट कलर्स हैं? येलो, ओके, ब्लू, ब्लू तो जर्सी भी है. लड़कियों को पिंक कलर इतना पसंद क्यों होता है? पिंक होता है अभी क्या, अब गलत लड़की से पूछ रही है, काली साड़ी पहनकर आई है लड़की, ये हार्ड मोड में आई है एकदम. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज हमें हमारे शो के लिए फिल्म फिर मिल गया है. अच्छा ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है. पंकज सर से इतने सालों से मुलाकात नहीं हुई, अब हुई तो बैक टू बैक. अभी मैं कुछ दिनों पहले फ्लाइट में आ रहा था, वहां पे पंकज सर मिले, उन्होंने मास्क लगा रखा था, पूरे नहीं मैं दर्शन कर पाया आज. आज बहुत अच्छा लग रहा है पंकज सर आपको यहाँ पे देख के, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. बहुत सारे एक्टर्स जब ऐसे कभी मिलते हैं बैक स्टेज बात होती है ना, तो पंकज सर हमारी इंडस्ट्री के बहुत कमाल के एक्टर हैं, तो बोलते हैं कि यार हम ना थोड़ा नर्वस होते हैं. मृणाल आप और शाहिद भाई जी, आप जब पंकज सर के साथ काम कर रहे थे आपका नॉर्मली हो जाता था टेक के, ऐसे फंबल होता था या नर्वसनेस होती थी? नर्वसनेस तो होती थी. अच्छा. क्योंकि सबसे पहले इट वॉज सच अ प्रिविलेज एंड ऑनर टू शेयर द स्क्रीन स्पेस विथ हिम. जब मैंने सर से पहली बार बात की तो आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड. He has this lovely energy and this quality like a student. कि आज मैं बहुत कुछ सीखूंगा. You know, you do not expect this from an actor who's done such great work. Right. I'm so happy, sir. I must say that मैं बहुत खुश हूँ और मुझे ये मौका मिला आपके साथ ये काम करने का. I think you're being very kind. No, Thank sir, you so much, all of you. I'm sure Shahid will agree with me. मैं एक, you know, एक छोटी सी story. मुझे 18 साल हो गए हैं एक्टिंग करते हुए. अच्छा. और फिर हमारे डायरेक्टर जो हैं गौतम जी, उनके साथ मैं 10 दिन काम कर चुका था, बड़ा खुश थे मेरे काम के साथ. अच्छा. हग वग करते थे, कहते थे, बिकॉज उनको फिर से बना रहे थे ना, तो उनको ये था कि कहीं डाउन ना हो जाए लेवल, और बेहतर बनानी है फिल्म. तो 10वें या 11वें दिन एक सीन हुआ जहाँ डैड जो है वो कोच प्ले कर रहे हैं, कोच बाली, और मैं अर्जुन तलवार हूँ जो एक्स क्रिकेटर हूँ, और वो और मैं साथ में खड़े होकर सिगरेट पी रहे हूँ, चाय पी रहे. रियल लाइफ में मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई ऐसा कुछ सोचने की भी, लेकिन फिल्म में मुझे मौका मिला टू चिल विद डैड, यू नो वील जस्ट बी चिलिंग टुगेदर. तो पहले डैड का एंगल लगा और उनका शॉट ख़त्म हुआ, तो पहला टेक और कट, और फिर डायरेक्टर आए, उन्होंने डैड को हक किया और बोला कि सर इट्स अ प्लेजर कि आप मेरे फ्रेम में हैं एंड अमेजिंग एंड ऑल. फिर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन लेके ना वो दूसरी तरफ निकल गए. तो मैं उनके पीछे पीछे गया, मैंने कहा क्या हो गया गौतम? सेड You know, Shahid, this film is about your character. I said, yes, sir. But after seeing your dad takes, you think anybody is going to look at you in this scene? Oh. So I said, he said, he is so good, he will pull all the audience. Nobody will be interested in you in this scene. I am very worried because the film is about your character. No, to tell you honestly, मैं दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये भी समझता हूँ कि कुछ थोड़ी बहुत परवरिश तो मैंने भी इनकी की है. आपके माँ-बाप ने आपकी बहुत अच्छी परवरिश की है और आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कह लेते हैं और इज्जत करते हैं, उसके लिए बहुत मान रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. वाह क्या बात है सर. जो अर्चना जी हैं हमारी, ये भी करमचंद सीरियल में पंकज सर के साथ थी, पर तो सर ये के लिए आई थी है? दो तीन एपिसोड के लिए, दो दिन के लिए ही, पर चलो इनकी शुरू से आदत थी लोगों का काम हड़पना ना सर. और मैंने तो ये सुना है कि जब ये दो एपिसोड के लिए आई थी तो इनकी डील इस वजह से नहीं आगे हो पाई, इन्होंने कहा कि पेमेंट वेमेंट को लेके पहले कुछ बवाल हुआ, इन्होंने बोला कि पेमेंट इतनी इतनी, बाद में इन्होंने कहा कुछ और बताओ, इन्होंने कहा फिर जो गाजरें पंकज सर के खाने की जितनी बच जाएंगी वो मेरी होंगी. वो डील नहीं पटी तो फिर ये इसलिए छोड़ दिया ना. फिर उसके बाद मुझे जलवा मिली, उसमें भी पंकज और मैंने एक साथ काम किया. वाह क्या बात है. मुझे गाजरें नहीं, मुझे पिक्चर मिली. सर आपने इतनी फिल्में की, मृणाल आपने, शाहिद भाई आपने, मेरा तीनों सवाल है, कभी कोई ऐसा कोई आपने फिल्म करी है कि सेट पे जाते ही पहले दिन ही आपको पता चला गया ओहो फंस गए, ऐसा होता है? हुआ है. पहले 3-4 दिन 5 दिन में एक फीलिंग आ जाती है कि यार यहाँ का थोड़ा कुछ अलग अप्रोच है काम करने का और हाँ. कुछ अलग टाइप के लोग हैं ये, यू नो दो अप्रोचेज होती हैं, या तो एकदम डिस्कनेक्ट करके चुपचाप प्रोफेशनली काम करके चले जाओ, या रोज अपना सर तोड़ते रहो दीवार के ऊपर. तो पहला इंस्टिंक्ट हमेशा दीवार पे सर तोड़ने का इंसान का होता है. फिर जब बड़ी सारी दर्द होती है तो आदमी बोलता है नहीं मैं ठीक है, जैसे आप बोलो जी मैं करके निकल जाता हूँ. सॉक्स पेटी में है और चाबी खो गई है, कोई मदद करो यार. ये
ये पिज्जा का वही आखिरी टुकड़ा है जिसके लिए लड़ाई होती है। ये टेप क्यों लगाई हुई है? आपका मुंह लीक कर रहा है क्या? सर जी साइकिल साइड पे लगा के इनोवा में लिफ्ट ले लो, कोई आपको मना नहीं करेगा। बड़ी मुश्किल से टाई बांधना सीखा था इन्होंने, कौन सी नई चीज पकड़ा दी? लगता है अभी भी कबीर सिंह गुस्से में है, फोटोग्राफर को नहीं देख रहा है।